लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हिंदी उपन्यासों में लोकतंत्र और मित्रसेन मीत के उपन्यास विषय पर संवाद रचाया गया। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनिंदर पांडे थे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर विनोद शाही की ओर से की गई। विमर्श को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ मान योग साथियों, आखिरी यज्ञ में आहुति मुझे देने को बुलाया है। आप लोग सब थक चुके हैं, मुझे मालूम है। सब लोगों ने खुला समय लिया है, मैं कम समय लूँगा, बहुत कम लूँगा, लेकिन अपनी बात कहूँगा। मित्रसेन मीत को इतना बड़ा होराइजन देने में मैं सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर जोगिंदर सिंह राही को देता हूँ। इन्होंने सबसे आगे खुद आए हैं। हरभजन सिंह भाटिया, विनोद, राकेश कुमार और वो अनुवादक जो कि मित्रसेन मीत को एक बड़ी दुनिया में ले आए हैं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि डॉक्टर राही के लेवल का तो मैं जानता हूँ कि इस समय पंजाबी के श्रेष्ठ आलोचक और चिंतक हैं। इतना हिस्टोरिकल नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत है। जिस तरह से कि ये जो हिंदी पंजाबी का चक्कर क्यों लगा रखा है, ये मेरी समझ में कभी नहीं आया। हम लोग गुरु नानक में थे, हम लोगों ने कभी चक्कर में नहीं पड़े। देखिए, शेखर ग्राम फिल्लौरी और भाई वीर सिंह की सुंदरी और भाग्यवती तो पूरे हिंदुस्तान की हैं। यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, यानी जब देखिए मुझे समझ में नहीं आता है। जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना, ये भेद आप ना करें। हम एक बड़े हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर ये ना होता तो ये उपन्यास जो है सारे देश में छा गए हैं, केवल पंजाब नहीं है, किसी सामान्य उपन्यास में नहीं उठाए जाते हैं। ये आपकी एक बड़ी भारी फितरत है और देन है कि पुरी साहब ने, डॉक्टर मनिंदर पांडे ने, विनोद शाही ने, हिंदी के और विद्वानों ने जो सवाल उठाए, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और उन सवालों का जवाब खुशी की बात यह है कि आपके उपन्यासों के द्वारा खोजा जा रहा है या आपके उपन्यासों के बहाने से खोजा जा रहा है। अब मैं पहला सवाल तो प्रवासियों का उठाता हूँ। होता यह है जी कि एक बड़ा कल्चर होता है देश का, और अपने देश में कहा जाता है कि कंपोजिट कल्चर गांधी जी के पहले लाल बाल पाल 3 लोगों ने कायम किया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ये जो एक कंपोजिट कल्चर है, उसके साथ सब कल्चर्स आए। सब कल्चर जब आ जाते हैं कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने तो बड़े परफॉर्म हुए, उसके बाद रीजनल पार्टीज बनने लगी। इसके साथ रीजनलिज्म आ जाती है। जो उस देश जो लोग वहाँ रहने वाले होते हैं वो माइनॉरिटीज़ बन जाते हैं और वो झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसमें क्या होता है, सब कल्चर्स में एंटी कल्चर भी पैदा हो जाता है। इमिग्रेंट्स आते हैं। इमिग्रेंट्स 2 वेव्स में आते हैं। अगर वो अच्छे मिडिल क्लास के लोग आए, जैसे कि बॉम्बे में और कलकत्ता में मारवाड़ी आए, पारसी लोग आए, गुजराती लोग आए, उत्तर प्रदेश में पंजाबी आए, वो एडजस्ट हो गए क्योंकि अपर क्लास उनको मिडिल क्लास एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन जो वर्कर्स आते हैं वो लोकल वर्कर्स के पेट की रोज़ी छीनते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन ये मैंने अमेरिका में भी देखा है, आप कई बार गए हैं। अभी वहाँ एंटी नीग्रो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। रेस्टरूम्स में देखिए कितने नारे लेके रहते हैं, गंदे संदेश। मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ 1.5 साल, मैं उनकी बहुत लफ्ज़ों को समझ रहा हूँ। तो एक बात तो ये दोस्तों कि अब ये लड़ाई इस उपन्यास में मैं कौरव सभा लेता हूँ। ये लड़ाई अगर आप दूसरे लाइट इसमें देखें कि ये बड़े कंपोजिट कल्चर में सब कल्चर और एंटी कल्चर के बीच में लड़ाई है। दूसरे शब्दों में हम कह दें कि ये नियो रिच और लुम्पेन के बीच में लड़ाई है, असली लड़ाई ये है। ये नव धनाढ़ जो बन गए हैं सोहनलाल और बाद में वेद, ये ठेके से प्रॉपर्टी डीलिंग से गैस के ठेके लेकर के करोड़पति बन गए हैं। ये नव धनाढ़ जो आते हैं इनको कोई कल्चर नहीं होता है, केवल पैसे के होता है, कोई इनमें धर्म का बंधन नहीं होता है और ये केवल एक चीज़ का कोई स्वाभिमान नहीं होता है, पैसा दो और तमाशा देखो। न्यू रिच कल्चर हिंदुस्तान में कोटा परमिट और सब्सिडी से डेवलप हुआ है। इस उपन्यास में मीत ने इसको उभारा है। प्रोलेटेरिएट में आते हैं, शुरू में लुम्पेन आते हैं। लुम्पेन आते हैं ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर गिरे हुए तबके के, जहाँ रोजी रोटी नहीं मिलती है, जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं होता है, वहाँ से आते हैं। या वेव देखें, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बांग्लादेश के लोग बिहार में आ रहे हैं, बिहार के लोग पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब के लोग दुबई में जा रहे हैं, दुबई के लोग अमेरिका जा रहे हैं। एक वेव होती है जी, इसलिए इसको इस लाइट में लें, प्रवासी और उत्तर प्रदेशी या बिहारी रूप में ना लें। ये सोशोलॉजिकल एक ऐसी वेव है जिसको अध्ययन बाद में किया गया है और अब तो यूनेस्को भी इसका ध्यान ले रही है कि इमिग्रेशन का और माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ क्या किया जाए। इसलिए ये बात ध्यान देने की है कि पहली बात तो ये है कि ये न्यू रिच और लुम्पेन की है। लुम्पेन लोग कभी कभी अपराधी भी हो जाते हैं, मजदूरी करने के साथ तो क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं। तो आप मित्रसेन मीत ने प्रवासी कहा है तो कोई बहुत सेंसिटिव बात नहीं है, ये ऐसा कोई गाली तो नहीं है। नेचुरली इधर से लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं तो वो लुम्पेन एलिमेंट में ज़्यादा है। जब पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती है, लुम्पेन जब तक क्लास नहीं बनता, वर्ग नहीं बनता, मजदूर वर्ग प्रोलेटेरिएट, तब तक वो अपराधों में भी लिप्त रहता है। एक तो इस उपन्यास में ये बात ये ध्यान देने की है। दूसरी बात आप और देखें कि इस उपन्यास की और दूसरी विशेषता जो मैंने पाई कि ये पोस्ट इवेंट उपन्यास है, घटना घट गई है और घटना घटने के बाद इसके इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वकील अपना कर रहे हैं, पुलिस वाले अपने कर रहे हैं और सब अपने अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। अर्थात ये है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि राही साहब ने भी कहा एक फ्रेम बना लिया है। उस व्यवस्था में कुछ दलाल लोग हैं जिनको हम लोग फ्रेंच भाषा में कंप्रोडोर कहते हैं। कॉम्प्रोडोर के रूप में सरकार की एजेंसियां कॉम्प्रोडोर वर्क कर रही हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे अस्पताल के डॉक्टर हों और चाहे कुछ लोग सरकारी वकील या जज हों। तो ये जो दलाल लोग हैं ये दो काम करते हैं, या तो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, करप्शन, या ये लोग एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करते हैं। तो इस व्यवस्था को चलाने वाले सबसे बड़े लोगों में, सबसे बड़े तबके में ये लोग कॉम्प्रोडोर लोग हैं और ये सारी की सारी एजेंसीज जो हैं दे वर्क एज कॉम्प्रोडोर। तो इस लाइट में आप देखे हैं इस उपन्यास में आपको कई सब टेक्स्ट मिल रहे हैं, उत्तर पाठ या प्रतिपाठ मिल रहे हैं। एक डॉक्टरों का पाठ मिल रहा है, दूसरा पाठ आपको पुलिस वालों का मिल रहा है, तीसरा पाठ आपको वकीलों का मिल रहा है और एक चौथा पाठ भी मिल रहा है जो कि कल्याणी माता, परमानंद और हरीश राय का है। वो आशा छोटा हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर मुझे कहना है कि अभी इन्होंने भी सोचा कि कौन इसका उपन्यास का नायक है। रीजनल नावल्स में, जिसको आप आंचलिक रचनाएँ कहते हैं, उनमें हीरो कोई नहीं होता है, पूरा का पूरा सिस्टम या सिस्टम का नहीं, स्ट्रक्चर तो नहीं, वो हीरो बन जाता है। जैसे कि झूठा सच में तारा वो हीरोइन बन के आती है, उसके साथ नेहा से ज़्यादा बुरा सलूक होता है, बलात्कार भी होता है, गर्भपात भी होता है, वो गुलाम बना करके रखी भी जाती है। आपने नेहा को बहुत मझधार में छोड़ दिया है। अगर नेहा को आप उठाते और वीमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम को उठा करके लाते, इससे ये नारियों का और लड़कियों का कितनी बड़ी एजुकेशन होती, जितनी आपने दी है एजुकेशन वकीलों के माध्यम से नेहा आपका एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना सुसाइड आपका हुआ है, भ्रूण हत्या हुई है नेहा के द्वारा, 3 मौतें करके आपने उसकी अंतिम मौत भी दे दी है। फिर भी नेहा अपना उद्धार करती है और वो कहती है कि मैं ला पढ़ूँगी। ये जो एक वाक्य है नेहा का, बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये पोस्ट इवेंट एपिसोड्स है और इसके सब टेक्स्ट पैदा हो रहे हैं और सब टेक्स्ट का एक ही मुद्दा है, फीस और रिपोर्ट और मिशन, इन तीनों के इर्द गिर्द सारा का सारा नॉवेल घूमता है। कभी कभी उपन्यासकार से मैं कहूँगा ये लगता है कि रेपिटेशन हो गया है। अब जैसे बार बार सारा का सारा पूर्वार्ध उपन्यास के शुरू के 200 पेज केवल एक ही इश्यू पर जल रहे हैं कि उसको अब वो जो पेश की जमानत दी जाए कि ना दी जाए। तो पेश की जमानत के इशू के इतने पेज लाने के लिए नावल नहीं, आपकी वकालत के लिए तो ठीक था, ये क्या हुआ है रेपिटेशन हो जाता है, आप उससे पात्र बिखरने लगते हैं। आप ला तो रहे हैं लेकिन अब रामनाथ भी बिखर गया, नीलम को आपने बिल्कुल बेहोश कर दिया, वेद के काम तोड़ दी, उसको मार दिया कमल को, तो पात्र डेवलप कैसे करेगा? तो आपके पास एक ही थीम बच गई कि आप पेशगी के वकीलों के साथ उलझते रहे, पुलिस वालों के साथ उलझते रहे। इसलिए इस उपन्यास का कैनवस जो है धीरे धीरे क्या रहा है कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस में बहुत ज़्यादा उलझ गया है। इसके बाद आप ये देखें और दूसरी बात इसके आप देखें, इस उपन्यास में क्राइम एंड पनिशमेंट को हाशिए में छोड़ दिया गया है। जो होना चाहिए क्राइम और पनिशमेंट का रिश्ता इस उपन्यास में हाशिए में चला गया है। हुआ ये है रिवेंज एंड रिडेम्पशन हो गया है, बदला लेना ही सारे उपन्यास का लक्ष्य हो गया है। और रिडेम्पशन किसका होता है? रिडेम्पशन केवल एक पात्र का होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पात्र, थोड़ा सा रिडेम्पशन नेहा का होता है, वो जीवन में तैयार हो जाती है। देखिए वेद चला जाता है गांव छोड़ करके, संगीता और रामनाथ घर में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो छोड़ कर चली जाती है। इसलिए ये भी है कि क्राइम एंड पनिशमेंट का हाशिया आपने छोड़ करके कानूनी आपने रिवेंज एंड रिडेम्पशन लिया है। और ये रिवेंज एंड रिडेम्पशन बहुत बड़ा सोशोलॉजिकल फैक्टर है। यहाँ मैं अब आपको एक बात दोहराना चाहता हूँ, मॉस्का ने करीब करीब 1200 पृष्ठों में पॉलिश पीजेंट्स पर 2 वॉल्यूम्स की स्टडी की थी। वहाँ उसने ये घोषणा की थी कि ये जो यहूदी आए हैं पोलैंड में ये बहुत अमीर हैं, बैंकर्स हैं बड़े बड़े, ये लोग पॉलिश सोसाइटी में ऐसा टेंशन क्रिएट करेंगे कि सोसाइटी स्प्लिट कर जाएगी। मैक्स वेबर को कारोबार से लड़ाई करने पड़ी, उसने ब्यूरोक्रेसी पर लिखा और राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी पर लिखा। उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का करेक्टर जो ऐसा होता है कि वो रिलीजन का सहारा लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन मैक्स वेबर के समय में ब्यूरोक्रेसी ऐसी गंदी नहीं थी जैसा पुरी साहब ने कहा कि या इन्होंने कहा एशियन कंट्रीज़ में आ जाती है या कॉलोनियल कंट्रीज़ में आ जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही विनोद शाही ने कि हम लोगों पोस्ट कॉलोनियल फेज में है, हम लोगों को भी डीकोलोनाइजेशन ही नहीं हुआ है हमारा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि सोशोलॉजिकल स्टडी कभी कभी सही प्रोडक्शन भी कर देते हैं। मॉस्का ने जो यहूदियों के बारे में प्रोडक्शन किया था, आपको पता है ना कि 1944-45 में हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में ख़त्म कर दिया था। और मैक्स वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी के सवाल आए वहाँ हिटलर और नीचे के बाद हिटलर पैदा होकर के आया। तो कभी कभी सोशोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन करते हैं और प्रेडिक्शन बड़े ख़तरनाक लेकिन बड़े सही होते हैं। इस लाइन से आप इस उपन्यास को देखें, ये इस उपन्यास में जैसा कि इन्होंने कहा राय साहब ने कि ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन हो गया है। चे ग्वारा ने एक बार कहा था कि हम सारे क्यूबा को एक स्कूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इन उपन्यासों से हिंदी के माध्यम से सारे देश में अक्लमंदी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है। और मीत आप एक साधन बन गए हो। मैं तो कल देख रहा हूँ आप क्या हो, आप तो लिख के चले गए, लिख लिया आपने ये उपन्यास, आपके इतनी तेज़ी से ये देश में जागृति फैलाएंगे जैसे झूठा सच ने तहलका मचा दिया था, मणिदा दीवा ने तहलका मचा दिया था, धरती धन आपने तहलका मचा दिया था। आपके उपन्यास बहुत शानदार होंगे। इसके बाद इसमें और बात है कि आपने एक बात मेनली कही है कि सारा सिस्टम गवाही और बरामदी पर आधारित है। ये बरामदी हुई है और ये गवाही हो गई है। अर्थात आपने इसके बहाने से क्या किया है कि नावल को एक राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी चार्टर बना दिया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, इस उपन्यास में कोई प्रकृति चित्रण नहीं है, कोई प्रेम कहानी नहीं है, शायद ये अपने ढंग का अलबेला उपन्यास है, कोई ग्रामीण जीवन नहीं है। अगर ऐसा उपन्यास लिखा जाए तो आप इसको, अभी राही साहब ने बड़ी शानदार ये तो सूत्र उन्होंने दिया है, हियर द फैक्ट्स हैव बिकम द टेक्निक। तो ये जो देन है कि बिना प्रकृति चित्रण के, बिना प्रेम कहानी के, बिना कहानी की डोर से आपने इस उपन्यास को लिख दिया है। और इसलिए उपन्यास बड़े बड़े सवाल उठाता है। इस उपन्यास में ये ठीक है कि उदासी का माहौल तो ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा एक्सपोजर सिस्टम का कर रहा है उपन्यास, जो कि मैं तो कहता हूँ मैंने इस उपन्यास से इमोशन नहीं प्राप्त किया है, संवेदना प्राप्त की है और मैं ज़्यादा अक्लमंद हुआ हूँ। अब मैं पुलिस के यहाँ जाने में मैं 2 बार सोचूंगा कि भाई इतनी जेब में पैसे हैं कि नहीं। अगर 1000 हुआ है तो चुपचाप बैठ जाओ, घर में मत जाओ। अगर 15-20 हज़ार है तब तो कुछ करो। राही साहब ने बड़ी शानदार कही कि फ्रेम क्या बना रहे हो आप, तो आपका फ्रेम बहुत सेट है, चार्टर के रूप में है। मेलनवस्की जो कहता है कि हर रिलीजन और हर सोशल स्ट्रक्चर एक चार्टर भी होता है सोसाइटी का, तो आपने चार्टर तो पेश कर दिया है, सोल्यूशन हम लोग खोजेंगे। इसके बाद आप देखें कि कहानी 2 परिवारों की है, बिल्कुल ठीक है, और 3 घटनाएं हैं, बिल्कुल सही है। और ये भी मैंने आपको जैसे बता दिया कि 3 प्रकार के अपराध हैं, तो 3 प्रकार के अपराध भी इसमें मौजूद आ गए। लेकिन एक बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि आपने इसी के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल के सिस्टम को भी ले लिया है। और ये कहा जा सकता है कि शायद आपका मकसद इतने बड़े अपराधों के बाद, दोनों की चोटों के बाद, आपको एक सिविल अस्पताल को भी एक्सपोज करना था और वहाँ भी बिल्कुल वही सिस्टम चल रहा है। अर्थात वही रिश्वत, वही इंजरी रिपोर्ट, वही गवाहों की समस्या, वही डॉक्टर गवाही देने आता है। तो ये जो एक ऐसी बात आई है, वही फीस और वही कमीशन, अर्थात वार्डों की दुर्दशा, मरीजों की दुर्दशा, पुलिस और डॉक्टर का मेल, उधर पुलिस और वकीलों का मेल है, उधर पुलिस और डॉक्टर का मेल है। ऐसा लगता है कि हम एक बड़े भारी तिलस्मी में फंस गए हैं। तो आपका उपन्यास तिलस्मी तो नहीं है, लेकिन आपका उपन्यास इस तिलस्म को कम से कम तार तार तो करने की कोशिश कर रहा है। और आपने बहुत ये जो कहा गया है ना, निर्मम ढंग से, शायद मनिंदर पांडे ने कहा था, आपने बड़ी निर्ममता से एक्सपोज किया, लेकिन आपकी निर्ममता में मानवीयता बरकरार है। इस उपन्यास का रहस्य ये है कि बीइंग ए हार्टलेस डिपिक्शन, इट इज़ ह्यूमनिस्टिक डॉक्यूमेंट। इसलिए आपका उपन्यास उपन्यास नहीं है, मैं इसको एक कल्चरल और सोशो पोलिटिकल डॉक्यूमेंट मानता हूँ। और इसी रूप में हमारे जितने बोलने वाले हैं, जोगिंदर राही साहब ने तो एक राय बता दी है, इसी रूप में हम लोगों ने लिया है। इसलिए हम सोचते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी देन है, आपका एक बड़ा भारी सिंबल है इसमें। मारो रिआर्मामेंट जो है आपका इमोशनल पॉइंट तो दे देता है, लेकिन उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। कल्याणी माता की कोई रेलिवेंस नहीं है, पंडित परमानंद भी कोई ख़ास नहीं, वो योग ध्यान की बात करते हैं। इससे बड़ा सलूशन, जैसे पुरी साहब ने कहा है, मैं मनिंदर पांडे ने कहा है, ये सलूशन नहीं है, ये तो भटकावे हैं। आपने भटकी हुई नारी को और भटकावे में डाल दिया है। नेहा के ये रास्ता कि ध्यान में लग जाए या कुंडलिनी जागृत कराए यहाँ आप कहीं बचना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एक राइटर की हिम्मत थोड़ी यहाँ पस्त हो गई है, मेरा संकेत आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये बात सही कही है कि ये पूरा सिंबल जो है ये काम नहीं दे रहा है। वो ऐसा है कि इसमें कौरव सभा का जो सिंबल है जो आपने उठाया है, इसके बारे में मुझे कहना कि बड़े बड़े नावलिस्ट जो हैं वो किसी बड़े सिंबल को लेकर के बढ़ते हैं। देखिए, इसलिए शरद चंद्र का एक बड़ा सिंबल, वो एक पूरा सिंबल चलता है। एक हीरो है, जमींदार परिवार का आवारा है, प्रेमिका से अलग होता है और वेश्याओं के घर में चला जाता है। प्रेमचंद का सिंबल मार्स और दयानंद को मिला करके आश्रमों को बनाने का है, सेवा सदन हो चाहे प्रेमाश्रम हो चाहे कायकल्प हो। हेमिंग ने भी ओल्ड मैन एंड द सी लिखा है, वो क्रिश्चियन मिथ है। जब ईसा मसीह एक मछली को पकड़ते हैं उसको छुड़वाते हैं। यहाँ आपने जो सिंबल लिया है टूटा टूटा है, लेकिन बिल्कुल सही है कि नेहा को अकेले मत लो, नेहा के साथ शिंदो को और श्रुति को भी लो। शिंदो एक बिल्कुल कुंवारी लड़की है, वर्जिन गर्ल है, जिसको वकील और पुलिस उसको पेशेवर सेक्सी वुमन बना के छोड़ देते हैं। श्रुति की शादी होती है और जब उसको पता लगता है कि उसका पहला कोई प्रेमी था, उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है। इसलिए नेहा की प्रॉब्लम अकेले नेहा की नहीं है, ऐसी अनेक लड़कियों की है। कमल को आपने निहत्था मन्यु कहा है, इसके साथ द्रौपदी को कहा है कि बार बार वकील इसका चीरहरण करेंगे, इसलिए शर्मनाक सवालों से चीरहरण होगा, इसलिए आपने छोड़ दिया। पंकज और नीरज को आपने कौरव बनाया है, वकील को आपने दुशासन बनाया है। और कौन वकील है? मेरे ख्याल से नंदलाल या सिंगला ही हो सकता है। और इसके बाद गवाहों को पटाने में कौरव लोग बेलूराम, बेलू बेरीवाला और जाने के वो नेताजी MP, और सबसे बड़ा शातिर विलेज जो है इसका शैतान वो है बघेल सिंह। ये आपकी देन है और आपने इसका पॉलिटिकल आयाम खोजा। लेकिन फिर भी जैसा कि डॉक्टर अदिल ने कहा था कि सभी दोषी भरी हो जाते हैं और मुद्दे इस ताल में पड़े रहते हैं। इसलिए आधुनिक कौरव सभा में द्रौपदी तथा पांडव पक्ष हारता है, और ये रियलिटी यही है जिसको ट्रेजेडी कही गई है। ट्रेजेडी इज ए कंटिन्यूस करोड़ा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है। इस तरह ये सारा उपन्यास एक शतरंज की चाल है। धीरे धीरे लोग गोटे चल रहे हैं, थके हुए आराम से रुक रुक के चल रहे हैं। बड़े कैलकुलेटेड वे से इंटेलेक्चुअली खेल खेला जा रहा है। इस उपन्यास में देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट तो है ही नहीं, सब तिकड़ों और जाल का खेल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत कूल पोस्ट इवेंट जो है, जहाँ पर शतरंज की बिसात बिछी हुई है और वो खेल खेला जा रहा है। अंत में वैसे एक बात मैं कहूँगा कि इस उपन्यास में आपने जो असली जो सवाल दो उठाए हैं, एक तो दुविधाएं उठाई, एक ही दुविधा नहीं है, कई दुविधाएं हैं। जैसे पंचम नाबालिग है, बालिग है, इसे डिलेमा। और फिलासफी में पुरी साहब और राही साहब जानते हैं डिलेमा ही फिलासफी को आगे ले जाते हैं। इंडक्शन और डिडक्शन थ्योरी है फिलासफी में, वो डिलेमा ही बनाती है। एक तो ये है, दूसरा ये कि नेहा के साथ बलात्कार हुआ है नहीं हुआ, ये दूसरा डिलेमा है। तीसरा ये है पंकज नीरज सीधे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। चौथा डिलेमा यह है कि जमानत देना दी जाए कि ना दी जाए, रद्द करवाया जाए कि जेल भिजवाया जाए। इस डिलेमा में सारा उपन्यास चल रहा है। और उसके बाद दोषी बीमार हैं और नहीं हैं। अंतिम यह है कि ये एजेंसियां जो हैं कानून को स्थापित करती हैं या अपराध को पनापती हैं। तो सारा उपन्यास मैकबेथ के नाटक की तरह से एक डिलेमा नहीं कई डिलेमा से भरा है। और ये बड़े बड़े सवाल उठाए गए, पुरी साहब ने उठाए हैं, सैगल साहब ने उठाए हैं, डॉक्टर अभी हमारे मित्र बोल के गए हैं अच्छे अनाजानी, इसके बाद अभी उनको उन्होंने उठाए, वो इन सवालों को उठाते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप कहाँ बोलते हैं, आप जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में बोलते हैं, कानून के बारे में जो आपके रिफ्लेक्शंस हुए हैं और अंत में जो नेहा से आपकी बातचीत होती है कि कैसा कानून में क्या है, वहाँ मीत नहीं बोल रहे हैं बल्कि आने वाले अगर कोई अच्छा निज़ाम आता है उसमें लीगल रिफॉर्म्स क्या होंगे जो कारजू की जिसके लिए कारजू ने कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे वी के आई कृष्णा अयर ने कोशिश की है, आपने कुछ सपने दिखाए हैं कानून के, वो है जुडिशल एक्टिविज़म। इस उपन्यास का मैं कहता हूँ कि कल्मिनेशन अंतिम बात है कि जिसमें कैसे कानून को सच और न्याय से जोड़ा जाए। अभी तक कानून ज़्यादातर न्याय से जोड़ा जाता है, अगर जुड़ गया सच से तो जुड़ता ही नहीं है। भाषा में भी आप कहते हैं ना कि भाषा अर्थ को पकड़ती है, कुछ को पकड़ नहीं पाती। कानून भी थोड़ी देर जजमेंट को तो पकड़ लेता है लेकिन ट्रुथ तो बहुत दूर रहता है। अब आपने जो मैं लॉन्च कर दी है और जो विद्वान आए हैं, इतने अच्छे लेख पढ़े गए हैं, मेरे ख्याल से मैंने भी करीब साहब बहुत देखा है, इतनी क्वालिटी के और इतने नए ढंग से, इतने बढ़िया। आप बड़े खुशकिस्मत हो। धन्यवाद।